हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू द स्टार्टिंग माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विशाल राव। और अभी भाई सुबह बज रहा है लगभग 7:30। मैं सो के जस्ट उठा गया हूं, मैं उठ गया था और नहा धो करके मैं अभी रेडी हो चुका हूं, क्योंकि मुझे पापा के साथ जाना है, थोड़ा कुछ काम है। और प्लस मुझे अपने वाले बैंक का काम आज मेरा फाइनल हो जाएगा, मेरा अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा जो ब्लॉक्ड है। और क्योंकि आज बोला था उन्होंने कि आज हो जाएगा, मंडे को आज के दिन अगर हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल चलते हैं घर में, चाय पीते हैं। अभी देखते हैं घर में कौन कौन उठा है सो करके और कौन कौन नहीं। 8:10 हो रहे हैं, महाराज जी हमारे यहाँ भी सो रहे हैं। मम्मी किचन में है, पापा बाहर अपने नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं, मैं रेडी होकर बैठा हूँ। स्टार्ट करी तो एक काणी आँख खोल करके देख रहा है, ए जू मुझा ये मुँह चढ़ा रहा है। बड़ा मैं डाल दूंगा, देखना मैं ब्लॉग में देखना, तो मुँह चिड़ाने बंद कर दो, बता दे रहे हैं। हम लोग पहले बचपन में बहुत करते थे ये सब, एक दूसरे को बहुत चिढ़ाते थे। बस हो गया, अब क्या बोल रहे थे तुम? गाइस को मुँह चिढ़ा रहे हो, बेटा आ तो कैमरे में रहो ना, तो गाइस को चिढ़ा रहे हो फिर। अरे भाई तुमको बहुत मारेंगे, समझे। अभी दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूँ बैंक किसी काम से, मतलब जो मेरा अकाउंट का है। अभी मेरा NCA से बात करा तो उन्होंने कहा कि आज हो जाएगा, तो 11:30 के आसपास बुलाया। अभी लगभग टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, और बाइक से नहीं जाएंगे, जाएंगे स्कूटी से ही। एक्चुअली मैं ये अभी जा रहा है स्कूटी देने के लिए भैया को, क्योंकि सन्नी भैया आ गए हैं और स्कूटी देने का, सॉरी बाइक देने, क्योंकि बाइक की उनको है ज़रूरत। आज है वो दिन भर, तो उनको कई जगह जाना है, अपने काम निपटाने हैं। तो वैसे तो बेसिकली मैं ही जाता हूँ उनके साथ, अगर मेरा काम जल्दी निपट जाएगा तो, और नहीं आ पाया तो इसीलिए करके जो है उनको मैं बाइक दे देता हूँ, जैसे कि उनके काम ना रुके। क्योंकि गाड़ी जो है हम लोगों की वो गई हुई है कानपुर तक, क्योंकि काम था गाड़ी का, तो कानपुर भेजी गई है। तो गाड़ी भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, बाइक मतलब बाइक तो है, तो अब मेरे पास तो 3-3 गाड़ियाँ हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में छोटी गाड़ी भैया वाले के पास तो सिर्फ एक है, और बड़ी गाड़ी दो है, दोनों गाड़ियाँ कानपुर में हैं। तो इसलिए जो है उनको टाइम लग जाता है, मतलब कार नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए बाइक से ही वो चले जाएंगे आज, जितने भी काम निपटाने हैं उनको। इसलिए उनको बाइक देते हैं फटाक से, और पापा को मैंने बुला लिया, पापा पीछे से आ रहे हैं, और उसके बाद जो है हम निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है फिल्म वो का शूट, और मुझे लग रहा है कुछ आर्मी से रिलेटेड कुछ शूट है, इसीलिए यहाँ पे कुछ हो रहा है। क्योंकि आर्मी का बंगलो है, किसका किसी मेजर एरिया का ये मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे कैंट के अंदर भी शूट होता रहता है। मतलब 11 निकले थे हम लोग, और अभी बज रहा है 2, ठीक है। तो अभी जा कर के अपना सारा काम कंप्लीट हुआ है, और अब जा रहे हैं घर। उसके बाद ये भी काम है बहुत ज़्यादा, 1 घंटा भी और बर्बाद होगा, उसके बाद जा कर के कहीं हम लोग फ्री होंगे। अभी दोस्तों मैं गया था पन तक, कैमरा ऑन ही नहीं किया क्योंकि भैया गाड़ी चला रहे थे। आपको मैंने बताया था सन्नी भैया आ गए हैं, अभी आप लोगों को मैं मिलवाता भी हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, घर के लिए क्या जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं अभी मुझे कुछ घर के लिए सामान लेना है, कल है खता उसके लिए, तो अभी चलते हैं सामान। हम ये देखिए आग लग गई गाड़ी में, पूरी की पूरी गाड़ी जल गई है। हम लोग जब दिन में जा रहे थे हम लोगों ने देखा था उस टाइम पर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आज है मेरा ब्लॉग का Day 2, और अभी आप मुझे देख रहे हो कि बसों के बीच में। दरअसल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आज तो हमारे यहाँ पे कथा है सत्यनारायण भगवान की, हमारे भाई साहब जा रहे हैं उनसे मिलने, परसों आए थे और आज ही निकल ले रहे हैं। इनको छोड़, हाँ सॉरी कल ही आए थे, कल सवेरे आए थे और आज सवेरे निकल रहे हैं, सिर्फ 24 घंटा, मात्र 24 घंटा, और इनको छोड़ते हैं फटाफट से और फिर वापस जाना है। भैया को तो मैंने छोड़ दिया है, और जब से ये बस स्टॉप दोबारा रिन्यू होकर के बना है ना,
तो मैं पहली बार इस बस स्टॉप पे एंट्री किया हूँ, और आज से पहले मतलब कहते हैं कभी एंट्री की मतलब आया ही नहीं कभी यहाँ पे, और जबकि रोडवेज पापा रोडवेज में ही है, फिर भी कभी भी आना होगा तो बाहर से ही छोड़ करके आ जाता। काफ़ी अच्छा बना हुआ है लंबा बस स्टैंड, बहुत अच्छा बना हुआ है। ऐसा काम में इतना ज़्यादा व्यस्त इस समय हो जाते हैं कि मैं ब्लॉग ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या ब्लॉग शूट करूँ। आज सवेरे से भी मतलब सारा कम रूम खाली किया, सफाई कराई, सब कराया। अब भाई उसमें मैं बार बार कैमरा उठा करके कंधे लग जाऊँगा ना तो मम्मी पापा ले के लट शुरू हो जाएंगे मेरे ऊपर। तो भाई करने वाले हम और मेरे छोटे वाले भाई ही हैं, ठीक है। और उसके बाद अच्छी खासी अपनी जो है रेड लग जाती है, इसलिए मैं उसको अपना कैमरा यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली बात ये है ना कि मम्मी पापा लोग उतना ज़्यादा कैमरे के सामने उतना वो नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो इसीलिए और नहीं है। अनिल नगर के अंदर होकर निकलना था रेलवे कॉलोनी से, उत्तर रेलवे कॉलोनी। हाँ यही है बहरा। तो हाँ, तो इसीलिए एक्टिव थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, और फटाफट काम करने के चक्कर में तो और भाई लेट होता है ना। तो अभी फ़िलहाल घर चलते हैं, पंडित जी आ भी गए होंगे, भाई को छोड़ना तो छोड़ दिया, बाकी सारा काम निपटा के आ चुके थे हम लोग, तो इसीलिए जो है टाइम ज़्यादा नहीं लगा। और भाई घर से यहाँ तक आने में मुझे मात्र जो है 10 मिनट लगा था, क्योंकि तो एकदम गाड़ी स्कूटी भगाते हुए आए, जबकि है 15 से 20 मिनट का रास्ता है, आराम से घर चला के आए, लेकिन फटाफट फटाफट तेज़ी में भगाते हुए आए ना, इसलिए पता ही नहीं चला टाइम। यार स्कूटी भी सर्विस करानी है, इसका पूरा पैनल है ना नीचे का तो निकल गया है, और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के वास्ते सही नहीं कराई थी। एक्चुअली इसका एक्सीडेंट हुआ था छोटे वाले भाई से, तो छोटा वाला भाई से क्या वो मौसी के बेटे से हुआ था एक्सीडेंट, मेरी गाड़ी को धक्का लगा रहे फ्यूल का जब सीन चल रहा था उसी टाइम से, तो उसको भी ठीक कराना है। तब से अब काम चला रहे थे देसी जुगाड़ करके, लेकिन अब ये देसी जुगाड़ वाला काम नहीं चल पाएगा, अब इसमें जो है पैसा लगाना पड़ेगा अच्छा खासा। तो आगे का जितना भी ये देख रहे हैं ना, ये हो गया, नीचे का ये हो गया, ये सब टूटा हुआ है, ये हो गया और ये हो गया, ये सब ये भी झाड़ों से चेंज होगा, ये और नीचे के नीचे का भी सब चेंज करवाएंगे, जो छोड़ेंगे कुछ नहीं, चेंज होगा तो फिर सब चेंज होगा। कम से कम 10,000 रुपये का टोपा हो गया भैया इसमें आराम से, क्योंकि फाइबर की चीज़ें हैं सारी, तो फाइबर की चीज़ें जो है 10,000 से नीचे तो खर्चा बैठेगा ही नहीं आराम से। उसको मैं सोच रहा हूँ सेल आउट करने के लिए, अभी 3 साल हुआ है इसको, अगर कोई ख़रीदने के लिए हो तो बताइएगा, क्योंकि हम इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बैटरी वाली स्कूटर आ गई है अब, तो भाई अपना बैटरी वाली एक ले देंगे घर पे। बाइक्स वगैरह है ही हैं, और क्योंकि बैटरी वाली का ही काम अब ठीक है, पापा को जाना उतना ज़्यादा होता नहीं है, छोटा वाला भाई यहाँ है नहीं, और छोटा वाला भाई रहेगा भी तो मेरी वाली बाइक अब फ्री हो गई हो जाएगी मेरी यामा, तो 1-2 महीना और बस उसके बाद पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी मेरी यामा। पहले तो यामा मेरा ये था सीन कि हम लोग को मेरे को दे के आना था उसको, अब नहीं आना दे करके, तो वहाँ पर मैंने उसके लिए जुगाड़ कर दिया है रेंट पे, बैटरी वाला स्कूटर जो है दिल्ली में मिल जाता है, तो अभी तबीयत सही हो जाए इसकी तो फटाक से ये चला जाएगा, तब फिर ये है कि अपना काम हो जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग क्या चल रही सत्यनारायण भगवान की कथा, उधर बैठे मम्मी पापा कन्या की बात सुनकर बनिया स्त्री बहुत दुखी हुई, साथियों बनिया शोक से अति दुखी होकर सोचने लगा, जैसे मेरा भाई बहुत सत्यनारायण स्वामी ने हरण किया है या मैं उनकी माया से भ्रम में पड़ा हूँ। तत्पश्चात उस बनिया ने सबको एकत्र किया और उनके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया कि यह मेरा कष्ट सत्यनारायण स्वामी। हमारे यहाँ कथा का समापन हो चुका है और पंडित जी जा चुके हैं, इधर हमारी मम्मी खड़ी हैं, इधर निश्चल, पीछे मौसी जी, हटे निश्चल सामने सेट, और इधर ज्योति मुंह है, हेलो करो। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खाते हो? अरे मत चिल्लाओ, है चिल्लाओ, खाना मम्मी देती नहीं देती ये बताओ, पहले पानी खाते? देखो मम्मी पूरे घर का काम इससे कराती है, झाड़ू पोछा लगाती है मम्मी,
देखिए दोस्तों ये खाना नहीं खाता, इसकी हालत देखिए, ये डिंगरा था, ये कोई कहेगा 5 साल का लड़का है ये। देखिए हाथ देखिए, ये देखिए एक कलाई यूं दम मारे तमाचा खींच करके, कुछ नहीं वैसे ही है वो भी, इसका भी वही हाल है, उधर देखा उसका भी वही हाल है, पकड़ लिया था। यहाँ देखो देखो यहाँ देखो, उसको नहीं दिखाना, ये देखिए एक, ये देखिए हाथी पाँव ठीक है, और हमको देखिए ठीक है, इधर देखिए इधर देखिए, सब एक खानदान के, ये देखिए इधर मम्मी को, सब हैवी हैवी लोग हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। कितना चिल्ला रही है ये, अब चिल्ला, अब चिल्ला, अब नहीं चिल्लाएगी, हमारे रिटायरमेंट से पहले की बात है, समझे, जाड़े की बात है। मम्मी बुला रही हैं आपको, इतनी गर्मी नहीं है। ज्योति बोलो बोलो, बुआ आता, तुम्हारी आवाज कहीं नहीं निकलती है। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है हमारे यहाँ, 4:40 और अब भगवान को हमारे यहाँ भूख लग रहा है खाने का, अब उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे, सुबेरे से भूखे मैं मर रहा हूँ। हम दोनों भाई भूखे, बाकी सब खाए हुए, हम लोग निर्जल काम कर रहे हैं। कान में एक चीज बताए, चिप्स खाया था, चिप्स चिप्स और समोसा भी खाया था हम लोगों ने, कोल्ड ड्रिंक पी थी, कोल्ड ड्रिंक भी पी थी। देखिए दोस्तों आज मेरे रूम पे कौन आया है, जिसने वीडियो बनाई, ये तो और बेटा तुमको हम ले नहीं सकते, ब्लॉग बना भी भागते अभी हम फिर ये, अब ये आया तो ये मोबाइल चलाएंगे बैठ के, काम तो है हैं। हाँ चलेगा भैया, बगैर मिले दुख तो है हमको, मिलेंगे भगवान बोले बाबा, जब जाएंगे तब मिलेंगे, जब बोले बाबा की कृपा होगी तभी मुलाकात होगी भाई। क्या किया, क्यों कह रहे भाई, सही कह रहे कि नहीं कह रहे, कहाँ गए, चलो सिद्धू भाई आज का ब्लॉग क्लोज यही कर दो यार, चलो बोलो। एक और आ गई, अबे ओए वाली आ गई मैं तेरे को फेमस कर दूंगा अबे ओए करके। भैया नैना, नैना भैया शॉपिंग चल रही, नैना की आज। अभी दोस्तों हमारे यहाँ से सारे गेस्ट जा चुके हैं, लगभग बज रहा है 11 और मैं ब्लॉग भी एडिट कर रहा था, तो आप लोगों ने आज का मेरा सत्यनारायण भगवान की कथा वाला ब्लॉग भी देखा और थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी हुई वो भी देखा, और जितने भी गेस्ट थे सब जा चुके हैं सामने, समर्थ समर्थ आए थे वो सब भी चले गए, मतलब सिद्धार्थ आया था, समर्थ नहीं, और मौसी वौसी सब चले गए, मामी अम्मी सब चले गए हैं। तो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे करते हैं एंड, आई होप फिर से मेरे 2 दिन के गैप पे आ रहा है, दिन के गैप पे आ रहा है, कोशिश रहेगी मेरी कंटिन्यू मैं फिर करूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था इधर बीच, अब थोड़ा सा टाइम का अभाव थोड़ा ख़त्म होगा और शूट भी करना है अपने को, शूट भी लगा हुआ है अब लगातार, देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, और हाँ लोगों को शेयर कर दीजिएगा तो नारायण भगवान के दर्शन लोगों को हो जाएंगे थोड़े बहुत, जो हमने कोशिश करी दिखाने की। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।